हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में क्लास सिक्स हनीसकल बुक में से चैप्टर सेवन फेयर प्ले का समरी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस स्टोरी इज ऑफ टू क्लोज फ्रेंड्स, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, एंड हाउ जस्टिस इज बियॉन्ड फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। ये जो स्टोरी है, ये कहानी है, ये दो बहुत ही जिगरी दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स का मतलब बहुत ही जिगरी दोस्त के बीच की कहानी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो दो फ्रेंड्स हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि जो जस्टिस और न्याय है वो फ्रेंडशिप और दुश्मनी से दूर होती है। जो न्याय होता है उसमें ना तो फ्रेंडशिप आती है ना ही दुश्मनी आती है। देखते हैं कैसे। पार्ट वन, जुम्मन एंड आंट। जुम्मन और उसकी आंट। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। शी केम टू जुम्मन एंड सेड। वो जुम्मन के पास आई और बोला, आई एम हेल्पलेस, कैन यू लेट मी स्टे इन योर होम। मैं असहाय हूँ। हेल्पलेस का मतलब असहाय। क्या तुम मुझे अपने यहाँ रहने दोगे, अपने घर में रहने दोगे। I will transfer my property to you for this kind act. और इसके लिए अगर तुम मुझे अपने, जुम्मन की मौसी जुम्मन से कह रही हैं, अगर आप मुझे अपने घर में रहने के लिए दोगे तो मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरे पास जो ज़मीन जायदाद हैं, वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी, मैं आपको दे दूँगी। जुम्मन agreed that she would stay in his home and he would take care of her. तो जुम्मन सहमत हो गया। उसने कहा कि हाँ मौसी, आप रह सकते हैं और मैं आपकी टेक केयर का मतलब होता है मैं आपकी देखभाल करूँगा। आंट्स डिसकॉन्टेंट का मतलब होता है असंतुष्टि। अब जो मौसी है उनको कुछ असंतुष्टि हुई। चलिए देखते हैं। आफ्टर ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली बिकेम टायर्ड ऑफ आंट। कुछ सालों बाद जो जुम्मन है और उसको जो परिवार है वो आंट से यानी मौसी से वो थक गए थे। द क्वारल स्टार्टेड हैपनिंग बिटवीन हिज आंट एंड वाइफ। अब झगड़े शुरू हो गए किसके बीच में, उसकी जो आंट मौसी हैं और उसकी जो वाइफ यानी कि उसकी जो पत्नी है, उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। हिज वाइफ वॉज अनॉयड विथ हर। और जो उसकी वाइफ थी, बीवी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। एंड वॉज नॉट इवन गिविंग इनफ फूड टू दी आंट। और जो उसकी मौसी थी वो उसको खाना नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी खाना नहीं दे रही थी। तो इसलिए जो उसकी आंट है वो असंतुष्ट हुई यहाँ पे। आंट पेशेंटली वेटेड फॉर मंथ्स। अब मौसी ने बहुत ही धैर्य के साथ बहुत महीनों तक इंतज़ार किया। बट देर वॉज नो चेंज, पर कुछ बदला भी नहीं। सो शी डिसाइडेड टू टॉक टू जुम्मन। तो इसीलिए उसने जुम्मन से बात करना चाहा। शी आस्क्ड जुम्मन दैट इफ ही कुड नॉट गिव अ फूड टू ईट देन लेट हर हैव सम मंथली अलाउंस सो दैट शी कुड हैव हर किचन एंड मेक हर फूड हरसेल्फ। तो अब जो जुम्मन की मौसी है, उन्होंने जुम्मन से बात करना चाहा और ये बोला कि अगर वो उनको खाना नहीं दे सकता है तो क्यों ना हर महीने एक मंथली अलाउंस का मतलब है मासिक भत्ता, यानी कि हर महीने मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं जो किचन है, रसोई घर में मैं खुद का खाना बना सकूं। जुम्मन बिकेम एंग्री। पर इस पे जुम्मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। एंड सेड, और कहा, आई कांट गिव एनी अलाउंस टू यू। मैं आपको कोई भी मासिक भत्ता नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको पैसे दे ही नहीं सकता हूँ। आंट एंड विलेजर, अब मौसी और जो गाँव के लोग हैं उनके बीच में देखते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है। द आंट डिस्कस्ड द इशू विद नियरबाय विलेजर्स। अब जो मौसी हैं उन्होंने जो ये समस्या थी इसको डिस्कस किया बाकी लोगों के साथ, जो गांव वालों के साथ। सम लाफ्ड, कुछ लोग हंसे। सम गेव कंडोलेंस, कुछ ने बोला धीरज रखो सब सही हो जाएगा। बट नो वन बोदर टू हेल्प हर, पर किसी ने भी मौसी की मदद नहीं की। आंट डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू द पंच। उसके बाद मौसी ने फैसला लिया कि वो इस मामले को
पंच तक लेके जाएंगी, यानी कि पंचायत लेके जाएंगी। अ पंच इज अ ग्रुप ऑफ फाइव पीपल हु लिसन्स टू द इशू एंड गिव डिसीजंस। पंच कौन होते हैं? कि पांच लोगों का एक समूह होता है जो जो इशू होता है, जो समस्या होता है, उसको सुनते हैं वो, और उसके बाद वो फैसला देते हैं। आंट एंड अल्गो, अब आंट और अल्गो का ये पार्ट है, अब इसको हम देखते हैं। आंट सीकिंग फॉर हेल्प वेंट टू अल्गो एंड टोल्ड द इशू। अब मौसी हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए अल्गो के पास गई और उसको सारा इशू बताया, अपना मामला बताया। अल्गो सेड, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बट जुम्मन इज माई फ्रेंड एंड आई कैन नॉट गो अगेंस्ट हिम। अल्गो ने बोला, हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी जो समस्या है, पर जुम्मन जो मेरा दोस्त है और मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। आंट आस्क्ड हर टू लिसन टू हिज कंसाइंस एंड वेंट बैक। मौसी ने बोला कि आप, मौसी ने अल्गो को कहा कि आप कंसाइंस की आवाज़ सुनिए, यानी कि खुद की आवाज़ सुनो आप। पंचायत, अब पंचायत वॉज ब्रॉट अंडर द बनियान ट्री। अब क्योंकि ये इशू अल्गो तक आ चुका था तो बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी। विलेजर्स आस्क्ड द आंट टू नॉमिनेट अ पंच। गांव वालों ने मौसी को बोला कि आप एक पंच के लिए एक व्यक्ति का नाम बताइए, इसे बोलते हैं नॉमिनेट या नामांकन। आंट नेम्ड अल्गो, तो मौसी ने अल्गो का नाम लिया। जुम्मन वॉज हैप्पी दैट अल्गो इज हिज फ्रेंड सो ही अग्रीड। अब जुम्मन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो खुश इसलिए हुआ क्योंकि जुम्मन और अल्गो तो दोनों फ्रेंड हैं, और जुम्मन को लगा कि अल्गो उसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, तो वो भी सहमत हो गया। नाउ अल्गो वॉज द हेड, नाउ अल्गो वॉज द हेड पंच। जो पंचायत पांच लोग होते हैं उनमें से जो हेड था वो अल्गो बना। ही गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्टिस, तो उसको न्याय की जिम्मेदारी मिली, यानी कि फैसला सुनाने की उसको जिम्मेदारी मिली। सो गिवन द डिसीजन इन फेवर ऑफ द आंट, ही सेड आंट शुड बी गिवन हर प्रॉपर्टी बैक। तो उसने जो फैसला था वो आंट मौसी के फेवर में, पक्ष में सुनाया, और उसने ये भी कहा कि जो मौसी हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस दे देनी चाहिए। अब क्योंकि अल्गो ने जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया, उसने मौसी का साथ दिया और उसने साथ भी सही चीज़ के लिए दिया, इसी चीज़ को लेके जुम्मन और अल्गो में एनमिटी यानी कि दुश्मनी आ गई। सिंस दैट डे जुम्मन बिकेम एन एनमी ऑफ अल्गो, और उस दिन से जुम्मन अल्गो का एक दुश्मन बन गया। पार्ट थ्री, अल्गोज इल फेट। अभी पार्ट थ्री में हम देखते हैं कि अल्गो के साथ क्या हो रहा है। इल फेट का मतलब होता है बहुत ही बेकार स्थिति, बहुत ही, और फेट का मतलब है किस्मत, यानी कि अल्गो की बेकार किस्मत। ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत गए एंड अल्गो गॉट अ टाइट सिचुएशन। टाइट सिचुएशन का मतलब तो बहुत ही ख़राब स्थिति। हिज वन बुलॉक डाइड, तो अल्गो का एक बैल मर गया। सो ही सोल्ड अनदर बुलॉक टू समझू साहू, तो उसने जो दूसरा बैल था वो समझू साहू को बेच दिया। अ बुलॉक ड्राइवर ऑफ द विलेज ऑन द टर्म दैट ही विल पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन वन मंथ। अल्गो ने समझू साहू को जो एक बैल बची थी वो बेच दी, और इस कंडीशन पे बेची, इस टर्म पे बेची कि वो एक महीने के अंदर जो एक बैल वो दे रहा है उसको एक महीने के अंदर पैसे वापस करेगा, पे करेगा। अल्गो एंड समझू, अनफॉर्चुनेटली द बुलॉक डाइड विद इन द मंथ। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो बैल अल्गो ने समझू को दिया था वो एक ही महीने में मर गया। ना अल्गो वेंट टू समझू टू टेक द मनी ऑफ द बुलॉक। अल्गो समझू के पास गया पैसे लेने के लिए, जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक महीने के अंदर दे देगा वापस। समझू गॉट एंग्री, अब समझू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, योर बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, जो तुम्हारा बैल है वो एक महीने के अंदर ही मर गया। आई हैव नथिंग फॉर यू, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। नाउ पंचायत, अब एक और बार पंचायत लगती है। अल्गो ब्रॉट समझू टू द पंचायत, अल्गो समझू को पंचायत के पास लेके आया। द विलेजर्स आस्क्ड समझू टू चूज द हेड पंच, तो गांव वालों ने समझू से पूछा कि आप हेड पंच किसको बनाओगे, मुख्य पंचायत में पंच किसको बनाओगे आप।
समझू नॉमिनेटेड जुम्मन, तो समझू ने जुम्मन का नाम लिया। एज ही न्यू द एनमिटी बिटवीन द जुम्मन एंड अलगू, क्योंकि उसको पता था कि जुम्मन और अलगू आपस में क्या है, शत्रु हैं, दुश्मन हैं। अलगू गॉट वरिड, और अलगू बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। जुम्मन्स डिसीजन, अब जुम्मन देखते कि किसके हक में फैसला लेता है। वंस जुम्मन बिकेम द पंच, जब जुम्मन पंच बन गया, ही गॉट द डिग्निटी एंड जस्टिस ऑफ पंच इन हिज माइंड, क्योंकि अब वो हेड पंच है तो अब उसको पंच की डिग्निटी भी रखनी है, इज्जत भी रखनी है, एंड जस्टिस ऑफ पंच इन हिज माइंड, और जिस हिसाब से न्याय देना है वो उसने अपने माइंड में उस चीज़ को रखा, अपने दिमाग में उस चीज़ को रखा। ही गेव द डिसीजन इन फेवर ऑफ अलगू, और उसने अलगू के फेवर में ये डिसीजन दिया। ही सेड, और उसने कहा, अलगू गेव द ब्लॉक टू समझू इन गुड कंडीशन फ्री फ्रॉम डिजीज। उसने ये कहा कि अलगू ने समझू को अच्छी कंडीशन में बैल दी थी और उसको बीमारी भी नहीं थी देते समय। इफ़ द बुलॉक इज डेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ समझू नॉट अलगू, और अगर बैल मर गया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, समझू के पास, अलगू के पास नहीं, क्योंकि अलगू ने उसको बहुत अच्छा बैल दिया था। अलगू गॉट हैप्पी एंड सेड पंच नोज नो फ्रेंडशिप और एनमिटी, इट नोज ओनली जस्टिस। तो अलगू बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और उसने कहा जो पंच हैं वो कोई मित्रता नहीं देखती है, फ्रेंडशिप नहीं देखती है, वो कोई दुश्मनी नहीं देखती है, ये सिर्फ न्याय जानती है। अलगू एंड जुम्मन यूनाइटेड, अब अलगू और जुम्मन एक साथ हो गए दोबारा, यूनाइटेड का मतलब एक साथ हो जाना दोबारा। ना जुम्मन अंडरस्टूड दी अर्लियर डिसीजन ऑफ अलगू, और जुम्मन को भी समझ आ गया था जो पिछला जो डिसीजन दिया था अलगू ने, जो फैसला दिया था मौसी के लिए, वो जुम्मन को भी समझ आ गया। He understood that justice sees no friend or enmity, it sees only the truth. उसको ये भी समझ आ गया जो न्याय है ये कोई दोस्ती नहीं देखती है, ना ही कोई दुश्मनी देखती है, सिर्फ सच देखती है। He went to Algu and embraced him. वो अलगू के पास गया, उसे गले लगाया। All the misunderstanding was gone now. और जो भी गलत फहमी थी दोनों के बीच वो सब जा चुकी थी। So ये था आज का लेसन का समरी। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन। आज का लेसन अगर आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।